नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, आज मैं आपको अपने गार्डन में फ्री में मैंने कैसे कितने प्लांट तैयार किए हैं वो सब दिखाऊंगी। मैं आज आपको एक भी अपना नर्सरी से लाया हुआ प्लांट ना दिखाते हुए अपने गार्डन में तैयार किए हुए कटिंग से तैयार प्लांट और जो मैं डिवाइड करके प्लांट तैयार करती हूँ उन्हीं सब प्लांट से आपको मिलाऊंगी और उनकी कैसे केयर टेक करें आप कि जिससे आपके यहाँ उसका अच्छा फॉलेज वाला होगा तो हरियाली भी देगा और फ्लावरिंग वाला होगा तो फुलवारी भी आपकी अच्छी रहेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बहुत ही कॉमन मिल जाने वाला, आसानी से कहीं भी कटिंग से आपको मिल जाता है, छोटी सी कटिंग से तैयार हो जाने वाले ये है पार्चुला का। इधर देखिए, मेरे आपको मैं इसमें पार्चुला का और पर्सलनी दिखाऊंगी। ये सब मैंने कटिंग से तैयार किए हुए हैं, छोटी छोटी बास्केट में लगा रखे हैं, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी आसानी से चल जाती है। तो पहला प्लांट हमारा जो आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं आसानी से वो है पार्चुला का। देखो दोस्तों, दूसरा खूबसूरत प्लांट यह है लैंटाना का प्लांट। ये भी मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ प्लांट है। इसकी भी थोड़ी सी सेमी बुड या बिना सेमी बुड की भी कटिंग लगाएंगे आप तब भी ये कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। ये देखिए इसमें कितनी फ्लावरिंग हुई है इस समय, ये देख लीजिए आप। दोस्तों, ये ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट है। ये भी कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार किया जाता है। ये मेरा कटिंग से ही तैयार प्लांट है। इस पर इसको बेल नुमाई बनता है। अगर आप इसकी बार बार क्रोनिंग करते रहेंगे तो इससे ये जो है एक सर्प का झाड़ी का रूप लेगा और ये पॉट में आसानी से तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये रसीलिया का प्लांट है, इसे फायर क्रेकर भी कहते हैं। ये प्लांट जो है डिवाइड होकर तैयार होता है। तो मेरा ये प्लांट बहुत पुराना है, इससे डिवाइड से आप नए नए प्लांट मैंने भी ये तैयार कर रखे हैं और ये सीड से भी ये प्लांट तैयार होता है। कटिंग से तैयार खूबसूरत गुड़हल का प्लांट। गुड़हल की बहुत सी वैरायटियाँ आती हैं, इस समय आप कोई भी वैरायटी लगाएंगे आसानी से वो ग्रो हो जाती है। ये भी सेमी वुड कटिंग इसकी लगाई नहीं है, पेंसिल जितनी मोटी कटिंग होनी चाहिए। ये भी है मेरे यहाँ कटिंग से तैयार प्लांट, देसी गुड़हल की वाइट कलर की वैरायटी। ये भी देख लीजिए कटिंग से ही तैयार है। गुड़हल की एक और वैरायटी है, ये भी देख लीजिए कितना सुंदर फूल है और ये भी मैंने कटिंग से तैयार कर रखा है। चांदनी का बहुत ही आसानी से चलने वाला कटिंग से तैयार ये प्लांट है। इसका बहुत बड़े पॉट में ही इस प्लांट को लगाना होता है। ये प्लांट भी मैंने आज कटिंग से ही तैयार किया हुआ है हमारे यहाँ। दोस्तों, ये ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल को भी आप जो है इसकी एक लीफ से आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। मैंने इसकी बार दो बार इसका वीडियो बना चुकी हूँ। इसी सीजन में मेरे यहाँ इस पर चार बार फ्लावरिंग हो चुकी है। खूबसूरत रोज ये कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। ये मैंने देखिए कटिंग से तैयार प्लांट है, इस पर भी मेरी अभी फ्लावरिंग चल रही है। दोस्तों, ये मैक्सिकन पिटोनिया है। इस पर खूब हैवी फ्लावरिंग होती है और कोई ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। ये कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। मेरे पास पिंक और ब्लू दो कलर हैं। ये प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसको। इस प्लांट को भी मैंने कटिंग से ही तैयार कर रखा है। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको जितने प्लांट बताए, फ्लावरिंग प्लांट बताए हैं, वो सब मैंने कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट हैं। एक आध उसमें डिवाइड करे हुए थे और कुछ अभी रह भी गए होंगे। मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। अब मैं आपको कुछ फॉलीज वाले लीफी प्लांट बताती हूँ जो मेरे यहाँ कटिंग या डिवाइड से तैयार हुए हैं। सबसे पहले मिलिए खूबसूरत कोलियस से। मेरे पास बहुत से कलर की कोलियस हैं। मैं इसका, ये जो कलर आप देख रहे हैं, इसका एक प्लांट लाई थी, उसी से मैंने ढेरों प्लांट तैयार कर रखे हैं और बहुत खूबसूरत ये कटिंग से ही तैयार प्लांट है। जितने भी आप देख रहे हैं ये सब मेरी कटिंग से ही तैयार प्लांट हैं। बस छोटी से छोटी कटिंग लगाइए और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। बहुत अच्छा लॉन्ग टाइम चलता है अपने गार्डन में। बस जब बहुत विंटर पड़ेगा उसी समय इसको ज़रा से बचाना मुश्किल होता है। तब उसकी छोटी छोटी जनवरी फरवरी के महीने में हमें छोटी छोटी इसकी कटिंग लगा लेनी चाहिए। ये खूबसूरत क्रोटन है। क्रोटन भी मेरे पास बहुत सारे हैं। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ सिर्फ वो क्रोटन दिखा रही हूँ जो मैंने कटिंग से तैयार कर रखे हैं। मैं नर्सरी से लाया हुआ आपको अपना एक भी पौधा इस समय नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको इसलिए ये कलर अपने प्लांट दिखा रही हूँ जिससे आपको भी मालूम पड़े कि कौन कौन से प्लांट, आपको बहुत सारे आइडिया आएंगे कि जो बिगनर हैं उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि हम कौन से प्लांट जो है आसानी से फ्री में अपने यहाँ तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी कटिंग से ही तैयार है, ये नर्सरी का प्लांट नहीं है। ये जो खूबसूरत क्रोटन देख रहे हैं ये भी कटिंग से ही तैयार प्लांट है। पुराना प्लांट जो मेरा नर्सरी का लाया था वो मरने लग गया था, उसकी छोटी सी कटिंग लगाई थी। तो देखिए कितना अच्छा प्लांट तैयार हो गया मेरे पास। दोस्तों, ये पीलिया प्लांट, खूबसूरत पीलिया प्लांट, ये भी कटिंग से ही मैंने तैयार कर रखा है। इसे जेब्रा प्लांट कहते हैं। इस पर इस तरह की धारियाँ होती हैं। ये प्लांट मैंने कटिंग से तैयार करा हुआ है।
ये रबर प्लांट की वैरायटी है, इसको भी देख लीजिए, ये भी मैंने कटिंग से तैयार करा हुआ प्लांट है मेरा। सिंगोनियम है, सिंगोनियम को आप डिवाइड करके साइड में जो बेबी प्लांट निकलते हैं उनसे आप बहुत खूबसूरती से आसानी से इनको चला सकते हैं, ये इंडोर और आउटडोर आसानी से चलते हैं। ये खूबसूरत पान की बेल देख लीजिए आप, बहुत खूबसूरत है, ये कटिंग से ही तैयार प्लांट है मेरा। मनी प्लांट तो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, अपने मनी प्लांट भी मैंने सब कटिंग से ही तैयार कर रखे हैं, ये देख लीजिए। ये डेफेनबेकिया की एक वैरायटी देख लीजिए, ये दोनों ही मैंने इस जगह पर जो रखे हैं दोनों कटिंग से तैयार है। ये चाइनीज एवरग्रीन है, इंडोर प्लांट के रूप में लगा सकते हैं आप इसको बहुत अच्छी तरह से, और बाहर रखना है तो सीडी प्लेस में रखेंगे, ये भी मेरे कटिंग से ही तैयार प्लांट है। ड्रेसिना की खूबसूरत वैरायटी देखिए, इस पर इस तरह से स्टेप होती है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, ये भी कटिंग से ही तैयार प्लांट है। ये सेंसवेरिया है, वेरीगेटेड लगाइए चाहे आप ग्रीन वाला लगाइए, ये भी मेरा डिवाइड होकर जो प्लांट होता है उसी से तैयार कर रखा है, ये कटिंग से भी बनता है, पर वेरीगेटेड को आप लगाएंगे तो उससे आपको ग्रीन प्लांट मिलेगा, मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ ये बात। ये खूबसूरत पेंसिल कैक्टस है, ये भी छोटी सी कटिंग लाई थी उसी से तैयार कर रखा है। यहाँ मैं आपको दो हेल्दी एरिका पाम दिखा रही हूँ, ये मेरा एक प्लांट से मैंने दो प्लांट बना रखे हैं, इसको आप डिवाइड करके बहुत ही आसानी से नया प्लांट बना सकते हैं। ये अगेप की एक वैरायटी है, इसका छोटा सा बेबी पाम मैं कहीं से लाई थी उसी से मैंने ये नया प्लांट बना रखा है, इतना बड़ा हो गया अब। दोस्तों मेरे पास ज़रा प्लांट का स्टॉक कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि मेरा मन भरता नहीं है प्लांट से, ये मेरे पास एस्पेगरस फर्न है, इसको मैंने डिवाइड कितनी जगह से कितने तरीके से लगा रखा है। ये स्पाइडर प्लांट है, इसको मैंने इंडोर और आउटडोर बहुत तरीके से ग्रो कर रखा है, ये देख लीजिए ये बहुत अच्छा चल जाता है। ये फॉक्सटेल फर्न है, इसको भी मैंने डिवाइड करके बहुत ही ज़्यादा प्लांट बना रखे हैं इनके भी। ये इतना हेल्दी दिखने वाला बेबी टियर है, छोटी सी मैं इसकी कटिंग लाई थी, तब से मैं काट काट के इसको कितनी बार फेंक भी देती हूँ, अपनी कंपोस्ट में डाल देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है, इस समय रेनी सीजन चल रहा है और देख लीजिए बहुत ही आसानी से चल रहा है मेरे पास। ये फर्न की दूसरी वेराइटी है, ये भी डिवाइड होकर बहुत आसानी से, देखिए मैंने बहुत सारे प्लांट इसके भी बना रखे हैं, ये देख लीजिए, ये मैंने छोटी छोटी बोतलों में ग्रो कर रखे हैं, बड़े पॉट में भी ग्रो कर रखे हैं, पर ये चल जाते हैं हर जगह आसानी से। वंडरिंग जीव के बारे में तो आप सभी जानते भी होंगे, और ये देखिए बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है, ये भी मैंने कटिंग से आसानी से तैयार कर रखा है, आप भी कर सकते। ये टर्टल वाइन है, ये देख लीजिए इसकी हाइट है, इस तरह से ये एक छोटी सी बोतल में मैंने लगा रखा है, और देखिए कितनी अच्छी इस दीवार में ये चल रही है। ये देखिए बोट लिली जिसे रियो भी कहते हैं, इसकी बड़ी वैरायटी है, और ये देखिए एक तेल के कंटेनर में मैंने बहुत आसानी से कटिंग से तैयार कर रखी है, ये भी डिवाइड होकर एक प्लांट ले आई थी साइड से उसी से तैयार करा हुआ है। दोस्तों ये स्टिंग ऑफ बनाना है, ये देख लीजिए एक छोटी बोतल में कितनी अच्छी तरह चल रहा है, लंबा है देख लीजिए आप। ये क्रोटन की एक वैरायटी, इसको मैंने इसी सीजन में तैयार कर रखा है, ये देसी क्रोटन है होने को तो, पर देखिए ये मैंने बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट इसी सीजन में तैयार है मेरे पास। इसको पेडीडेंथस भी कहते हैं, डेविस बैकबोन भी कहते हैं, ये प्लांट भी मैंने कटिंग से तैयार करा हुआ प्लांट है, एक छोटी सी मैंने इसको एक मटकी में लगा रखा है, देख लीजिए। देखिए ड्रेसिना की वैरायटी रेड कलर की, ये भी कटिंग से तैयार है। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो का उद्देश्य था कि हम फ्री में भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर प्लांट के लिए नर्सरी जाना पड़े, और कई लोग इस अपने गार्डनिंग में बहुत पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, उनका बजट ज़्यादा होता नहीं है, तो वो भी गार्डनिंग करने का शौक़ होता है तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, और कई लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर उनको आसानी से प्लांट नहीं मिल पाते हैं, तो वो जगह उन लोगों के लिए भी आज का मेरा वीडियो हेल्पफुल होगा। तो मेरे गार्डन में थोड़ा सा मैं आपको अपने गार्डन का लुक दिखाते हुए आज का वीडियो समाप्त करूंगी। अब मैं आपको अपने एक्जोरा प्लांट पर हो रही हैवी फ्लावरिंग भी दिखाती हूँ, देखिए ये कितनी हैवी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।